जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का चैनल जगदूत न्यूज पत्रकार नगर खगड़िया जेएनकेटी स्टेडियम के प्रांगण में जदयू के द्वारा आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जदयू सुप्रीमो व सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने कहा, 13 वर्षों के कार्यकाल का जो मैंने सेवा किया है उसका मजदूरी हमको नहीं दीजिएगा। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कई विकास के कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा, वहीं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, लोजपा के द्वारा सभी जाति के लोगों को टिकट दिया गया। उन्होंने लोजपा प्रत्याशी के बारे में पिछली बातें भूलकर केंद्र में मोदी सरकार के हाथ को मजबूत करने की अपील की। जबकि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विकास की गंगा बहा रहे हैं। उन्होंने पुनः दोबारा केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनाने की अपील की। मौके पर जदयू जिलाध्यक्ष सुनील कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष अर्जुन शर्मा, लोजपा जिला अध्यक्ष मोहम्मद मासूम, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर भाइयों, हम यही कहेंगे कि कुछ लोग तो अपना ऐसे ही भूलेंगे, जुबान चलाएं, जुबानी जंग और हम लोग काम करें। तो आपको ऐसी परिस्थिति में फैसला करना, और मुझे पक्का भरोसा है कि काम देखकर, केंद्र सरकार का काम, राज्य सरकार का काम देखकर आप वोट डालने का निर्णय लीजिए। और हम तो आपके बीच में आए, मैं 13 साल से आपकी खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो 13 साल से आपकी सेवा कर रहे हैं तो हमको मजदूरी नहीं दीजिएगा? हम तो आए मजदूरी मांगना। ये 23 तारीख को जो वोट का दिन है, वोट के दिन आप एक एक वोट, अपना कीमती वोट, ये बंगला छाप के, बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूरी के रूप में आपने वोट देने का वचन दे दिया, तो हम कहिए, हम सब लोग इनको माला पहना दे, बोलिए हम सुना के माला पहना दे, जीत की माला पहना दे। अब आपकी इजाजत से हम लोगों ने इनका माल्यार्पण कर दिया, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपना एक एक कीमती वोट देकर इनको विजयी बनाइएगा, केंद्र में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइएगा और राज्य के विकास में और गतिशीलता लाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। अब हम भारतीय जनता पार्टी के दिल बना रहे, कोई काम के लिए हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। अब आप सोच लीजिए, अब शिक्षा के क्षेत्र में क्या हाल था पहले भाई, 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रहते थे। हम लोगों ने शुरू किया काम, आकलन करवाया कौन बच्चे बाहर रहते, तो पता चला या तो दलित समाज के लोग हैं या अल्पसंख्यक समाज के लोग, और वो स्कूल में पहुंचे हैं जिसके लिए हमने टोला सेवक और तालीमी वर्कर की स्कीम बना करके सबको पढ़ा पढ़ा करके स्कूल पहुंचाना शुरू किया, और आज स्कूल से बाहर रहने वालों की कोई संख्या रह नहीं गई है, बड़ी मुश्किल से 1% के नीचे होगा। तो कौन सा काम हम लोगों ने नहीं किया? 21,000 नए प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए, 3 से 4 लाख के बीच में नए शिक्षकों का नियोजन हुआ, कौन सा काम हम लोगों ने नहीं किया? और फिर हम लोगों ने तय किया कि हर पंचायत में हम उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाएंगे, और आपके यहां कितना था, आपके यहां कितने स्कूल थे, और आज उनकी संख्या बढ़ गई। कहीं भी आपके खगड़िया जिला में 130 ग्राम पंचायत, और पहले था 41 आपके यहां हाई स्कूल, पूरे खगड़िया जिला में 41 मात्र हाई स्कूल था, और अब संख्या बढ़कर हो गई 107, और खुद जल्दी इसकी संख्या हो जाएगी। सरदार भगत सिंह की फिर बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जिनका इंतजार घंटों से कर रहे थे, बिहार के विकास पुरुष आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं।
पार्टी दिल में है, देखना है जोर कितना राजवे का दिल में है। मेरे साथियों, सबका दलित भाई है, दलित का जो है ज्यादा आरक्षण खत्म हो जाए, कोई माई का लाल, पीएम प्रधानमंत्री ने कहा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आरक्षण को छू सके। आरक्षण जो है प्रधानमंत्री ने कहा हमारे नाक के ऊपर खत्म होगा। ये बेईमान लोग जो आरक्षण का हमेशा से विरोध करते रहे, हम नहीं जानते हैं क्या इन लोगों को, हम आज से राजनीति में हैं, कोई नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न दिया, जब बीपी सिंह की सरकार थी हम मंत्री थे, उनके जन्म दिवस छुट्टी की घोषणा किया, उनको जो है ये क्या कहते हैं, हम लोगों ने जो है पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उनका तस्वीर लगाया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार हुई, हम लोगों ने उस समय जो दलित एक्ट बनाया था वो जब सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया